हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो मैं करण झा आपके अपना प्रोएक्टिव एकेडमी चैनल पे आज लेकर के आया हूँ पिछले क्लास का नेक्स्ट वाला जो लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग एक बार रिमाइंड करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये सब सारे चीज जो है हम लोग कवर अप कर चुके थे। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े थे कि ओवम क्या होता है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कैसा होता है, फिर ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक होते हैं, एम्ब्रायो सैक के अंदर में कौन कौन से सेल्स होते हैं, एम्ब्रायो सैक के अंदर में फीमेल गैमेट जो है यानी कि ओवम, ओवम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सब सारे चीज जो है इन डिटेल्स स्ट्रक्चर हम लोग जो है ना पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जो है उसके बाद वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट जो है बनने के बाद अब क्या होगा। देखो, इससे और भी पहले पिछले वाला लेक्चर में यानी कि लेक्चर टू में जो है इस चैप्टर का हम लोग मेल गैमेट कैसे बनता है वो हम लोग पढ़े थे। मेल गैमेट जो है बन चुका था, फिर आज से जस्ट पिछले क्लास जो है, पिछले लेक्चर जो है उसमें फीमेल गैमेट जो है कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ चुके, यानी कि फीमेल गैमेट भी बन चुका। अब क्या होगा, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को जो है पास में लाना होगा, तब जाकर के क्या होगा, देयर विल टेक प्लेस सिंगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और तब जाकर के जो है डाइप्लोइड जायगोट बनेगा, और जायगोट से ही फिर क्या होगा, डेवलप होकर के एम्ब्रायो बनेगा, फिर उसके बाद जो है प्लांटलेट बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है देखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गया है, अब दोनों को एक पास में लाना है। तो यूजुअली क्या होता है, मेल गैमेट जो है वो सब स्मॉलर इन साइज होता है, छोटे साइज का होता है, और मेल गैमेट जो है मोटाइल भी होते हैं, व्हाइल फीमेल गैमेट्स आर जनरली नॉट मोटाइल, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकता है। फीमेल गैमेट जो है वो जनरली मूवमेंट नहीं कर सकता है, बट मेल गैमेट जो है वो जनरली मूवमेंट कर सकता है, मूवेबल होता है यानी कि मोटाइल होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लाना होगा, तब जाकर क्या होगा, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, गैमेट ट्रांसफर वाला जो स्टेप है ना, प्रोसेस है ना, यही हम लोग पढ़ेंगे, गैमेट ट्रांसफर। तो इसमें कौन सा गैमेट का ट्रांसफर कहां पर किया जाएगा, इसमें जो है मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट के पास किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट के पास जो किया जाता है, इट इज डन बाय ए प्रोसेस नोन एज पोलिनेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो है पोलिनेशन प्रोसेस से जो है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लाया जाता है, ठीक है। ध्यान से एकदम बढ़िया से एकदम सुनना है और फुल जोश के साथ एकदम पढ़ाई करते रहना है, कोई भी डाउट होने से मैं अवेलेबल हूं ही। और देखो, हम लोग का चैनल का कम्युनिटी पेज जो है उसमें जो है ना डेली मैं कुछ ना कुछ क्लास 10 और क्लास 12 के लिए क्विज अपलोड करता हूं, उसमें जाकर के पोलिंग करो, उसमें जो है ना अपना क्विज देखो, क्विज उसमें करो, एक एक क्वेश्चन डेली क्लास 10 का और 12 का मैं अपलोड करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं उसमें डालूं। उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो देखो, जैसे कि पिछले लेक्चर का एक क्लास 12 में कुछ डाउट था, कंफ्यूजन था, एक स्टूडेंट था, उन्होंने कमेंट किया था डॉग्स के बारे में कि डॉग्स जो है सीजनल ब्रीडर्स होना चाहिए। हाँ, डॉग्स जो है ना सीजनल ब्रीडर्स होता है, तो वो पिछले लेक्चर में जाकर के थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से जो है तुम लोग का डाउट्स कंफ्यूजन्स हो ही सकता है, हो सकता है मैं पढ़ाते वक्त जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा इधर उधर कुछ हो जाए, बाई चांस मिस्टेक होता ही है, हो सकता है मिस्टेक। तो ये सब जो है ना डाउट में कमेंट सेक्शन में पूछा करो, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ उसमें पूछा करो, टेलीग्राम चैनल है उसमें पूछा करो, फेसबुक है उसमें पूछा करो, इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें पूछा करो, बहुत सारे ऑप्शंस है तुम्हारे पास। ये सब सारे ऑप्शंस जो है ना, इसका ये अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे लिए, इसको जो है ना अवेल करो, AVAIL अवेल करो, सो दैट यू विल बिकम वन डे द पर्सन विथ 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी, है ना। 100 आउट ऑफ 100 मिलना ही है, और मिलने के बाद मिठाई का डब्बा चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखो,
गैमेट ट्रांसफर जो होता है ये कौन से स्टेप से कौन से प्रोसेस से होता है? इट ऑकर्स बाय पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 का जो है पूरा इन डिटेल में नोट्स जो है वो भी प्रिपेयर करके मैं टेलीग्राम चैनल में दे चुका हूँ, प्रोएक्टिव एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं दे चुका हूँ। तो टेलीग्राम चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी से सर्च करो या फिर नीट स्पेशल क्लासेस प्रोएक्टिव एकेडमी से सर्च करो, उसमें जो है ना आएगा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहां पर जो है ना नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, हर चैप्टर का मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये भी चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा तो उसमें जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर 1 का मैं कल कर चुका हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखो पोलिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन का क्या मतलब होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। एंथर से कहां पर? एंथर से स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। तो देखो, यू माइट हैव सीन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है एंड्रोसियम है, ये यानी कि स्टामेन है। ये एंड्रोसियम और स्टामेन का ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज एंथर, और यही एंथर जो है ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स जो है ना इससे बनेगा क्या? एक पोलन ग्रेन से बनेगा 2 मेल गैमेट्स। तो यहां पर ये एंथर है, एंथर के पास में ही क्या होता है यहाँ पर, ये स्टिग्मा होता है, गाइनोसियम होता है, यानी कि पिस्टिल जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द गाइनोसियम। अब देखो एंथर से ना पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा, डेहिसेंस ऑफ एंथर एक टर्म मैंने यूज किया था लेक्चर नंबर 2 में, जाकर के देख लेना अगर याद नहीं आता है। तो एंथर का वाल रप्चर हो जाना, तो एंथर एंथर के अंदर में जब पोलन ग्रेन्स बन जाता है, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाता है, जब एंथर भी मैच्योर हो जाता है, तो ये एंथर का वॉल जो है ना ये रप्चर हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो है ना इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंथर से स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने का प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं पोलिनेशन, और यही होता है गैमेट ट्रांसफर के लिए। अब देखो ये पोलिनेशन जो है ना, पोलिनेशन तो हम लोग समझ चुके हैं पोलिनेशन क्या होता है। नाउ यू सी पोलिनेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। So what are the types of pollination? Pollination can be broadly classified into 2 major types. They are self-pollination and cross-pollination. 2 major types के pollination होते हैं। Self-pollination हो गया और दूसरा है cross-pollination. What is the meaning of self-pollination? Self-pollination का मतलब होता है transfer of pollen grains from anther to stigma of same flowers. From anther to stigma of the same flower or different flowers of the same plant, different flowers of the same plant. देखो क्या हो सकता है इसमें जो है ना, दो केस हो सकता है सेल पोलिनेशन में। दो केस को हम लोग इस तरह से जो है डिवाइड कर देते हैं। एक यहां पर सपोज ये मान लेते हैं दिस इज ए प्लांट, एक यहां पर ये प्लांट है, यहां पर जो है ना यहां पर एक फ्लावर ब्लूम किया है और यहां पर एक फ्लावर। ठीक है, यहां पर एक और केस ले लेते हैं, ये प्लांट है, इसके अंदर में जो है ये फ्लावर है। ठीक है, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि जैसे यहां पर हो रहा है ये एक ही फ्लावर के अंदर में है, ये जो है एक फ्लावर है, ये एक ही फ्लावर के अंदर में क्या है, देखो यहां पर एंथर भी है और ये स्टिग्मा भी है, यानी कि ये स्टामेन भी है और ये क्या है, ये कार्पेल भी है, यानी कि पिस्टिल। कार्पेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं। तो देखो सेम फ्लावर के अंदर में एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर का एंथर से उसी फ्लावर का स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने का प्रोसेस को भी हम लोग सेल पोलिनेशन कहते हैं। और फिर जैसे यहां पर ये एक प्लांट है, प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है, तो इस फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर का स्टिग्मा में ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी हम लोग क्या कहेंगे, सेल पोलिनेशन ही कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये सेम फ्लावर के अंदर में एंथर टू स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग पार्टिकुलरली कहते हैं ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, एंड From in between different flowers of the same plant का different flowers के बीच में pollen grain transfer करना, this process is called as gametogamy कहते हैं इसको।
यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम ही होना चाहिए लेकिन फ्लावर्स क्या होगा, फ्लावर्स डिफरेंट हो सकता है। ये चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी पूछो राइट नाउ, ठीक है ना, अभी पूछो, लाइव चैट में पूछो या फिर कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो देखो ऑटोगेमी और गेटेरोगेमी ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ना, ये क्या होता है फिर, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बट बिलोंगिंग टू द सेम स्पेसिस। मतलब यहां पर जो है ना दो अलग अलग प्लांट के बीच में होगा, जैसे यहां पर ये एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर है, यहां पर ये एक दूसरा प्लांट है, इसमें भी यहां पर एक फ्लावर है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ऐसे करके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पोलिनेशन होना। लेकिन ये दो अलग अलग प्लांट्स जो है ना क्या होना चाहिए, ये दोनों प्लांट्स जो है दे मस्ट बिलोंग टू द सेम स्पेसिस। अगर ये चाइना रोज है तो ये भी चाइना रोज होना चाहिए, अगर ये गोवा है तो ये भी गोवा प्लांट होना चाहिए, मैंगो है तो ये भी मैंगो प्लांट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये गोवा है तो ये मैंगो, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसमें जो है ना फिर अलग ही बन जाएगा, दूसरा कुछ और स्पेसिस बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत अलग कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है ना उसमें। तो नाउ यू सी क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं जेनोगेमी कहते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्म दिस पोलिनेशन इज नोन एज जेनोगेमी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग जो है ना ये सब जितने भी सारे टाइप्स का पोलिनेशन है, ये हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, फिर जाकर के इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या होता है। तो गेटेरोगेमी जो है, देखो पहले हम लोग ऑटोगेमी का डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना, एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर का बीच में ट्रांसफर होना। तो ये ऑटोगेमी जो है ये क्या होगा, ये जेनेटिकली क्या होगा, जेनेटिकली ये जो है ना ये तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ही, क्योंकि सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो उस पोलन ग्रेन का और उस फीमेल गेमेट का, ये पोलन ग्रेन यानी कि मेल गेमेट का और उस फीमेल गेमेट का जीन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सेम फ्लावर के बीच में, सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, तो जीन क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। और इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। इकोलॉजिकली हम लोग कैसे देखते हैं, फ्लावर को हम लोग देखते हैं कि सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है कि नहीं, तो ये तो सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है तो ये क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। तो जेनेटिकली पॉइंट, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑटोगेमी जो है सेल्फ पोलिनेशन है, फिर जाकर के इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑटोगेमी जो है इट इज सेल्फ पोलिनेशन। नाउ गेटेरोगेमी के बारे में हम लोग देखते हैं, गेटेरोगेमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो गेटेरोगेमी जो है ये क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है लेकिन सेम प्लांट का। तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर होने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर प्लांट ही सेम हो तो फर्क क्या पड़ेगा, जीन जो है सेम होगा कि डिफरेंट होगा, जीन सेम ही रहेगा। यानी कि ये मेल गेमेट और इधर जो ये फीमेल गेमेट है, इस ये दोनों का जीन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन है। तो जेनेटिकली गेटेरोगेमी इज सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो ये दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, इसीलिए इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन, गेटेरोगेमी जो है ये क्रॉस पोलिनेशन है। फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू गेटेरोगेमी इज क्रॉस पोलिनेशन, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि गेटेरोगेमी का तो हम यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन में डाले हैं, तो फिर इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन कैसे हुआ, पता चल गया आप रीजन, गेटेरोगेमी इज इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन। कैसे हुआ, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स इसमें इन्वॉल्व है, दो अलग अलग फ्लावर्स से हम लोग इकोलॉजिकली जो है ना फ्लावर को देखते हैं, ठीक है, कि दो सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है या फिर अलग अलग फ्लावर के बीच में। तो यहाँ पर ये अलग अलग, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, हमको पता है कि सेम प्लांट है लेकिन अलग अलग दो फ्लावर है, इसीलिए क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। और जेनोगेमी अगर हम लोग देखें तो ये एक प्लांट से दूसरा प्लांट में हो रहा है, तो ये जेनेटिकली भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों फ्लावर्स का यानी कि मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल गेमेट का यहाँ से मेल गेमेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जा रहा है, यहाँ पर फीमेल गेमेट है इस प्लांट में, तो ये दोनों प्लांट अलग अलग है, इसीलिए मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट क्या होगा, अलग अलग होगा, सो इट विल बी क्रॉस पोलिनेशन। और इकोलॉजिकली भी क्या होगा, दो अलग अलग फ्लावर्स है, इसलिए क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन होगा।
तो यहाँ तक समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ना, मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है क्रॉस पोलिनेशन, इसके लिए कुछ पोलिनेटिंग एजेंसीज का जरूरत पड़ता है। पोलिनेटिंग एजेंट का मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का जरिया, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होगा, लैंड होगा, तो उसके लिए कुछ एजेंट का जरूरत पड़ेगा, पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है उसमें। तो वो पोलिनेटिंग एजेंट देखो क्या क्या है, ठीक है। तो देखो ये पोलिनेटिंग एजेंट जो है, ये बायोटिक भी हो सकता है पोलिनेटिंग एजेंट, और फिर एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट भी ये हो सकता है। सो व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, मतलब पोलिनेशन करवाने के लिए जो एजेंसी होता है, एजेंट होता है, वो बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। तो बायोटिक में देखो सबसे पहले है स्नेल्स। स्नेल्स के जरिए जो है ना पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो सकता है। अगर स्नेल्स के जरिए पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा हो तो दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड एज मलाकोफिली हम लोग कहते हैं। व्हाट इज मलाकोफिली? इफ द पोलिनेटिंग एजेंट इन क्रॉस पोलिनेशन इज स्नेल, देन इट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, देन दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज मलाकोफिली हम लोग कहते हैं। सेकेंड नंबर में आते हैं देखो हम लोग एंट्स। एंट्स चींटी, चींटी के जरिए, चींटी भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सकता है। अगर चींटी के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री, अगर कोई और इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टोमोफिली, ठीक है। फिर जाकर के बर्ड्स के जरिए भी हो सकता है, फिर जाकर के बर्ड्स के जरिए भी हो सकता है, बर्ड्स के जरिए अगर ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फाइव, बर्ड्स के जरिए हो गया स्नेल्स, बैट्स के जरिए देखो बैट्स, बैट्स के जरिए अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। अब देखो एसेट्रा एसेट्रा, अब एबायोटिक एजेंट में आते हैं। एबायोटिक एजेंट में जो है क्या क्या हो सकता है, एबायोटिक एजेंट में विंड एंड वाटर हो सकता है। विंड के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा हो देन दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली हम लोग कहते हैं। अगर वाटर के जरिए पोलिनेशन हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग देखते हैं कि ये क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा यानी कि फ्लावर्स जो है वो किस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है ताकि क्रॉस पोलिनेशन जो है आसानी से हो, ठीक है।